हम लोग यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे। अभी तक हम लोग सिक्वेंशियल प्रोग्राम देख रहे थे, अब हम लोग कंडीशनल प्रोग्राम देखेंगे। कहने का मतलब हुआ, जैसे आपको हम बोल रहे हैं आप पढ़िएगा तो पास कीजिएगा, तो पढ़ना यहाँ पे कंडीशन है, पास करना और फेल करना स्टेटमेंट हुआ। मीन्स पास करना और फेल करना डिपेंड कर रहा है पढ़ाई पे, तो पढ़ाई यहाँ पे कंडीशन हो गया। समटाइम वी नीड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन। इट कैन बी परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर और कंडीशनल स्टेटमेंट। कभी कभी हम लोग को कुछ वर्क परफॉर्म करना पड़ता है ऐसा, जो कि किसी पार्टिकुलर कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से हम लोग वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में विद द हेल्प ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर और कंडीशनल स्टेटमेंट के हेल्प से। कंडीशनल ऑपरेटर जो है ग्रेटर देन, जैसे एग्जांपल ए का वैल्यू 4 हुआ और बी का वैल्यू 2 है, तो हम लोग बोल सकते हैं ए इज़ ग्रेटर देन बी। मीन्स जो तीर मार रहा है वो बड़ा है, जिसको मार रहा है वो छोटा हुआ। कहने का मतलब यहाँ पे ए तीर मार रहा है बी को, तो ए बड़ा हुआ और बी छोटा हो गया। लेस देन, एग्जांपल ए का वैल्यू 2 है और बी का वैल्यू 4 है, तो हम लोग इसको लिखेंगे ए लेस देन बी। लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, इक्वल्स टू। अगर हम लोग एक इक्वल्स लगाएंगे तो वैल्यू असाइन करेगा, अगर दो लगाएंगे तो कंपेयर करेगा। इज नॉट इक्वल्स टू मीन्स अगर ए का वैल्यू 2 है और बी का वैल्यू 4 है, तो हम लोग बोल सकते हैं ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। रिलेशनल ऑपरेटर एंड, सिंगल एंड पर्सन लगाएंगे तो एड्रेस होगा वेरिएबल का, डबल लगा देंगे तो एंड हो जाएगा। इफ बोथ कंडीशन ट्रू देन स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूट। मतलब दो कंडीशन जब ट्रू होगा तो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। कहने का मतलब हुआ, आपको हम बोल रहे हैं हम फिरालाल तभी जाएंगे जब आप जाइएगा, मतलब हम और आप दोनों जाएंगे तो ही जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। तो मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए और दोनों में से कोई एक भी अगर चले जाएं तो जाएंगे। मीन्स अगर आप नहीं जा रहे हैं तो हम अकेले जा सकते हैं, अगर हम नहीं जा रहे हैं तो आप अकेले जा सकते हैं। इस तरह कंडीशन में हम लोग और लगाएंगे, और अगर जब दोनों को जाना हो तो फिर हम लोग को एंड लगाना होगा। इज नॉट कंडीशनल और ब्रांचिंग स्टेटमेंट के अंदर सिंपल इफ सिंगल सिलेक्शन, इफ एल्स टू वे सिलेक्शन, नेस्टेड इफ, इफ नेस्टेड इफ मीन्स इफ के अंदर इफ होगा उसी को हम लोग नेस्टेड इफ बोलेंगे, एल्स इफ लेडर मीन्स मल्टीपल वे ऑफ सिलेक्शन और स्विच केस। ये हम लोग टॉपिक कवर करेंगे कंडीशनल और ब्रांचिंग स्टेटमेंट के अंदर। अभी हम लोग इफ स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं। इफ स्टेटमेंट वन वे सिलेक्शन डिसीजन, एंड इफ स्टेटमेंट इज ए सिंगल सिलेक्शन और डिसीजन स्टेटमेंट, इट इज़ यूज व्हेन वी हैव ओनली वन अल्टरनेटिव। अगर हम लोग को सिंगल कंडीशन होता है उस समय हम लोग इफ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। जैसे सिंटैक्स इफ एक्सप्रेशन स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू मीन्स मोर देन वन स्टेटमेंट हो सकता है इफ के अंदर में। सिर्फ ध्यान रखिएगा अगर मोर देन वन स्टेटमेंट रहे इफ के अंदर में तो ओपनिंग करनी ब्रेसेस और क्लोजिंग करनी ब्रेसेस देना है। अगर एक सिंगल स्टेटमेंट रहे तो आप नहीं भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूट इफ द कंडीशन इज ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तभी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। मीन्स आप पढ़िएगा तो ही पास कीजिएगा, नहीं पढ़िएगा तो फेल कीजिएगा। ये एग्जाम्पल हुआ। हम लोग यहाँ पे एक प्रोग्राम देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट मैक्सिमम ऑफ टू नंबर। दो नंबर इंटर करना है और उसमें से जो बड़ा नंबर है उसको प्रिंट करना है सिर्फ इफ स्टेटमेंट के हेल्प से। तो यहाँ पे हैज़ इंक्लूड स्टडी डॉट एस, हैज़ इंक्लूड कॉन्यू डॉट एस, हेडर फाइल वाइड मैन इंट ए बी और एक बिग वेरिएबल लिए। हालांकि दो ही वेरिएबल में हो जाता
लेकिन यहाँ पे एक बिग हम लोग एक्स्ट्रा लिए हैं, सिर्फ सिंगल इफ़ यूज़ करना है इसलिए। तो यहाँ पे ए बी एंड बिग तीन वेरिएबल लिया। इंटर टू नंबर, यहाँ पे स्कैन है परसेंटी एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी में वैल्यू जाएगा 5 और 8। हम लोग यहाँ पे वैल्यू इंटर किए, ए में चला गया 5 और बी में आ गया 8। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि ए का जो वैल्यू है उसको बी में स्टोर करा दे रहे हैं, मीन्स 5 चला गया बिग में। पहले ही एज्यूम कर लिए कि ए का वैल्यू जो 5 है वो बड़ा है। अब हम लोग कंडीशन लगाते हैं, चेक करते हैं कि ए है या बी है। तो इफ़ बी ग्रेटर देन ए, अगर ए नहीं हुआ, अगर बी बड़ा है बिग से, तो फिर क्या करेगा, बी का वैल्यू को बिग बना देगा और फिर प्रिंट करेगा बिग को और गेट सी एस। तो यहाँ पे आउटपुट आएगा 8। हम लोग इस तरह से करीब 5-10 प्रोग्राम देखते हैं व्हाइट बोर्ड पर।